नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार मीणा। परीक्षा एवं परिणाम। परीक्षा देते सब है लेकिन परिणाम की चिंता सबको होती है। एक तो वो जो मेहनत करके परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतज़ार करते हैं, और एक वो जो शॉर्ट टाइम में कम समय में रट के परिणाम हासिल करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पे परीक्षा, परिणाम और बच्चों का जो छात्र हैं उनका स्ट्रेस लेवल किस तरीके से एग्ज़ाम के टाइम पे पड़ता है, तो इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। तो स्वागत है आपका सिम्बायोसिस एजुकेशन में। थैंक यू सर। आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से टीचिंग का कार्य और प्रिंसिपल के पद पर प्राचार्य का कार्य कर रहे हैं जी, और आपने विभिन्न प्रकार के बच्चों को देखा है, उनको गाइड किया है। कई मेंटली होते हैं जो एक तरीके से ऐसे होते हैं कि शिक्षकों से दुर्व्यवहार करते हैं जी, बिल्कुल। दूसरे वो जो शिक्षकों को अपने जैसे माता पिता उसकी तरह मानते हैं जी। और एग्जाम के टाइम पे जैसे कोविड के पहले बच्चे अच्छी मेहनत करते थे एग्जाम को लेके, उसके बाद कोविड आने के बाद बच्चों में एक लालसा बन गई है कि कोविड में पढ़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट पॉलिसी आई बच्चों को प्रमोट करने की, बिना कोई एग्जाम कंडक्ट करे, बिना कोई एवेल्युएशन कंडक्ट करे इन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया। इनफैक्ट ना कोई प्रैक्टिकल कंडक्ट हुआ, ना कोई किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ना होकर उनको प्रमोट किया। उसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन पे, एजुकेशन हैबिट पे, लर्निंग हैबिट्स पे बहुत नेगेटिव असर आया जी सर। तो उसमें क्या, बच्चों की होप यही है कि इनफैक्ट आप देखें इस बार जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, बोर्ड हैं, कोविड गाइडलाइन हटा दिया गया है और रिटर्न एग्जाम भी हो रहा है, उसका सीधा इफेक्ट उन एग्जाम्स पे हो रहा है। बच्चे उसी रिदम में एग्जाम दिया है कि बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है प्रमोट हो जाएंगे, जो पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से हुआ। हाँ, तो इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। और सर पहले वो होता था कि रैंडमली परीक्षाएं होती थी, जैसे एक जमाना वो था जब गुरुकुल में शिक्षाएं प्राप्त होती थी, बिल्कुल, और शिष्य गुरु के किसी भी आदेश का मतलब ऐसा नहीं करते थे कि गुरु ने जो बोला हम नहीं करते, डिनाई नहीं करते थे। लेकिन आज के जो टेक्निकली जो समय चल रहा है, अभी प्रौद्योगिकी का जो समय है, उसमें बच्चे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते टीचर से। उसका कहीं ना कहीं कारण मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में आज क्या है, अपन जैसे बात है, और खासतौर से ये भी कोविड का एक इफेक्ट है कि पहले अपन अगर वे ऑफ स्टडी की अपन बात करें तो एक स्कूल और किताब, टेक्स्ट बुक वगैरह और एक टीचर, इस चीज को अपन मानते थे। लेकिन जैसे ही कोविड बदला तो स्मार्टफोन ने जगह ली, टीचर की जगह स्मार्टफोन ने ले ली। आज कम्युनिकेशन टू वे नहीं होता है, सिर्फ अपन स्टूडेंट जाके देख लेता। उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो टीचर का बिहेव है, टीचर का जो प्रेजेंस है, हाँ, वो बच्चों के लिए मिसिंग हो गया है। और उसका सीधा इफेक्ट ये हुआ है कि वो टीचर्स को जो गुरुकुल पद्धति पे अपन जो सम्मान सम्मान टीचर को मिलता था, वो आज नहीं मिलता। इधर अगर इसको दूसरे तरफ से अपन देखेंगे तो टीचर भी आजकल हाईटेक हो गए, वो भी स्टूडेंट्स को इतना वो नहीं, वेटेज नहीं देते जो पहले गुरुकुल पद्धति में एक एज ए बच्चा खुद का चाइल्ड उसको ट्रीट करते थे। आज इतना नहीं, एक लिमिट का, उसके बाद में बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल काफी एक यांत्रिक समाज की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सब अपने एक दूसरे के से स्वार्थ के प्रति जुड़े हुए हैं। और जबकि गुरुकुल पद्धति पे अपन देखते थे वहाँ निस्वार्थ होता था, ना टीचर को कोई लालच होता था, और स्टूडेंट जब तक उसके पास है पूरी तरह सानिध्य में उसकी हर बात को एक आज्ञा पूर्वक मान के पूरी तरह अपने शिक्षा ग्रहण करता था। और सर पहले मतलब एग्जाम्स को लेके इतना, एक जमाना सर आपके भी था जब आप उस जमाने में शिक्षा इतने अवेयरनेस में नहीं थी कि लोग मतलब शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं थे, उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और सभी लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हुए। लेकिन उसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न है वो पहले क्या था और अभी कितना बदला है? पैटर्न एग्जाम परीक्षा प्रणाली की बात करें तो पहले जब एजुकेशन रेशो बहुत कम था, एग्जाम अपने जब होते थे तो पूरे सिलेबस, काफी सिलेबस को कवर करके हुए आते थे। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन रेशो बढ़ता चला गया, एग्जाम पैटर्न तो लगभग चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें से जैसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न को लिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जो कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में अब बच्चा उसको बेसिकली समझने की जगह, पहले समझने पर फोकस किया जाता था, अब रटने पर फोकस होने लग गया है।
आज वन वीक सीरीज, जैसे वन वीक सीरीज आपने सुनी होगी। हाँ सर। कोई भी बच्चा लो, आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करता, साल भर मेहनत नहीं करते, 7 दिन पढ़ के वो एग्जाम या तो पासबुक ले लेगा, और पासबुक का भी शॉर्ट फॉर्म में एक 1 वीक सीरीज, एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, इसीलिए 1 वीक सीरीज उसका नाम दिया, 1 हफ्ते पहले उस सीरीज को खरीद लाएगा, उसको रट लेगा, उसमें से भी गैस करने की कोशिश करता है कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। तो बेसिकली उसको पूरी नॉलेज नहीं होती, बस वो रट के दूसरे दिन कॉपी, एग्जाम कॉपी में लिख देगा, उसके बाद में नॉलेज खत्म। तो आज सिर्फ नंबरों के लिए, हाँ, जो पहले ज्ञान के लिए जो लड़ाई होती थी, आज वो सिर्फ नंबरों के लिए लड़ाई है। उसमें जो गुण डेवलप होने चाहिए, जिस जो क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, वो क्वालिटीज आज जो परीक्षा सिस्टम है, हाँ, वो डेवलप नहीं कर पा रही है। जैसे पहले सर, मतलब कोई स्टूडेंट अगर पास भी हो जाता था ना किसी उसमें, जैसे 11th में देख लो, 10th में, 12th में, तो आसपास के गांव में चर्चाएं होती थी। बिल्कुल। आज आप देखो कि आज से 25 साल पहले का अगर अपन बोर्ड रिजल्ट की बात करें, तो फर्स्ट डिवीजन बहुत रेयर चांस में आते थे, बहुत रेयर केस में फर्स्ट डिवीजन आते थे, और जो फर्स्ट डिवीजन आ गया, 60% मार्क्स जिसने ले लिए, इनफैक्ट आसपास के गांव में, शहरों में, कॉलोनियों में मिठाइयां बंटती थी। आज परसेंटेज तो मायने ही नहीं रखता। हाँ, आप टॉपर्स की बात करें, 99.99%। बिल्कुल सर, एवरेज परसेंटेज 70 क्रॉस होती है। 70 एवरेज, 70 क्रॉस। हाँ। लेकिन अगर अपन एवलेशन बात करें, इनकी कैलकुलेशन बात करें, इनका कंपैरिजन करें, तो नॉलेज में वो पुराने बच्चे अच्छे थे। उसका कारण था कि वो डीप नॉलेज पे बात करते थे, आज बस नंबरों की बात करते। सर, नंबर तो ऐसा है ना कि जैसे भी आप लैंग्वेज के लेके चलो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो थर्ड लैंग्वेज में आती है, कोई भी स्टूडेंट 100 में से 100 हिंदी या फिर इंग्लिश में गेन नहीं कर सकता, नहीं कर, लेकिन सकते। वो भी आ रहे हैं, वो भी अब आ रहे हैं, वो अब आ रहे हैं, और इस ये एवलेशन पैटर्न के कारण है। हाँ सर, कि आज फास्ट भी एवलेशन पे भी इतना गौर नहीं किया जा रहा है कि आखिर क्वेश्चंस जो मार्किंग हो रही है कॉपी, वो जो जांच किया जा रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है, वो किस स्टैंडर्ड पे किया जा रहा है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, कि जल्दी, इनफैक्ट उसको बिल्कुल कुछ गलत भी लिख दिया तो उसको भी ध्यान नहीं दिया जाता, और मार्क्स, और कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियां बनाई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसका मिसयूज होने लग गया। जी सर। इसका भी मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की जब बात की थी, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बात करी थी, 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा का बुनियादी, हाँ, जैसे 8th क्लास तक किसी को फेल नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे। लेकिन उसका गवर्नमेंट का मोटिव बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मिस यूज हुआ। उसमें एक कॉज थी, 8th तक फेल नहीं होगा। जी सर। आज स्थिति ये हो गई कि बच्चा चाहे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा कॉपी में, लेकिन वो उस कानून की वजह से प्रमोट हो रहा है। तो सर, इस चीज का इफेक्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे पड़ता है, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। आप जब RTE लागू हुआ 2010 में, उससे पहले के बोर्ड रिजल्ट में और उसके बोर्ड रिजल्ट में आप देखिए बहुत वेरिएशन आया है। कारण यही है कि पहले बच्चा बिलो क्लासेस में रुक जाता था, लेकिन RTE लगने से वो 8वीं तक तो रुक ही नहीं रहा, फिर सीधा 10th बोर्ड को फेस करता है, 10th बोर्ड में फिर उसका रिजल्ट डाउन हो रहा है। और सर, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि बच्चे 7 दिन में, जैसे आप बता रहे हो कि सीरीज, 1 वीक सीरीज पढ़ के, अगर जैसे कोई संस्थान है तो जैसे बच्चों को बाध्य तो कर नहीं सकते कि आपको यहीं रुकना है, यहीं पढ़ना है। गुरुकुल में तो ऐसा होता था कि बच्चे वहीं रहते थे जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। जी सर देखिये, ये चीजें बाउंड करने की बात नहीं, क्योंकि आज जो टाइम चल रहा है उसमें फाउंडेशन RTE को ही वापस मैं यहाँ पे लाऊंगा, कि काफी चीजें ऐसी हैं जो टोटली बच्चों के फेवर में है। जैसे आप पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, इकोनॉमिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, उनको हैरेस नहीं कर सकते, ये लॉ है। अब उस लॉ के अगेंस्ट तो टीचर भी नहीं जा सकता, उसको वाउंड नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मॉरल वैल्यूज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। मॉरल ड्यूटी वैल्यूज जब डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा टीचर का कहना मानेगा, और कोई भी टीचर मैं नहीं मानता कि बच्चे का गलत, हाँ सर, शिक्षा देगा। जब स्टूडेंट टीचर को प्रॉपर सम्मान देगा, उसका आज्ञा पालन करेगा, तो मैं कहीं नहीं मानता कि कोई खामी रह सकती है अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं अपन को मॉरल ड्यूटीज भी एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में डेवलप करनी पड़ेगी, बजाय सिर्फ नंबरों पर ध्यान देने के। और सर, जैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति और गुरुओं के प्रति,
और जो अपने परिणाम को लेके जिस तरीके का स्ट्रेस जो लेते हैं वो, कि जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आत्मदाहता की आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। में भी कल परसों कोटा में हुआ है। हाँ सर, तो वो अपने मेंटल लेवल को, अपने सोच को किस तरीके से पॉजिटिव बनाए एजुकेशन को और एग्जाम को लेके, शिक्षा को लेके। ये सिर्फ बच्चा नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे फैमिली एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। आज मैंने कहा ना कि सिर्फ नंबरों नंबर गेम रह गया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम गेम ऑफ नंबर है। आज बच्चा घर पे रिजल्ट आया 90% मार्क्स बने, फादर आके कहेंगे बेटा उसके बच्चे ने 95% अचीव किया। एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। हाँ, ये कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन ही स्ट्रेस पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। जब तक गार्जियन भी, जो बच्चे के माँ बाप हैं, गार्जियन हैं, जो भी हैं, जो उसको टैकल इस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक ये स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा। बच्चे को ये सिखाने की जरूरत है कि सिर्फ नंबर ही ये सब कुछ नहीं है, आपका आगे कैरियर क्या है, आपको कैरियर कैसे डेवलप करना है, आपको कैरियर कैसे अचीव करना है, उस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन अपन यहाँ क्लास नर्सरी से अपन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं नंबरों के लेवल में। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि वो आत्महत्या जैसे संगीन कदम भी उठाने में बिल्कुल चूकता नहीं है। और ये चीज जब समझ में आती है जब बच्चा इस तरह की गलत हरकत कर बैठता है। तो इसके लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे बड़ा काम है, नंबरों पे किसी की क्वालिटी चेक नहीं करनी है, अपन को चेक करना है उसका स्ट्रेस लेवल और उसकी क्वालिटी कि बच्चे में क्वालिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी को पहचान। होता है ना कि जैसे पड़ोस के बच्चा कोई वकील बन गया तो वो भी सोचते हैं कि मेरा बेटा जज बनेगा। कंपैरिजन वहीं शुरू होता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको ये नहीं पूछा जाता छोटा बच्चा है, बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा। आप उस बच्चे की एबिलिटी तो देखो, आप उस बच्चे में, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अगर अपन इस क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते तो क्या सचिन तेंदुलकर को आज अपन जान रहे होते? अगर उसके फादर ने भी ये कहता होता बेटा बैट को छोड़ दे, तेरे को इंजीनियर बनना है, तो क्या सचिन तेंदुलकर दुनिया को मिलता? नहीं मिलता। हाँ सर, वो उस क्वालिटी को अपन को पहचानना पड़ेगा, उस क्वालिटी को अपन को डेवलप करना पड़ेगा, उस क्वालिटी को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। बच्चा अपने आप, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस चाहिए, आपको चाहिए उस टैलेंट को पहचानो और उसको प्रमोट करो। तो सर, अभी तक अपन जो बातचीत कर रहे थे वो स्कूल लेवल तक ठीक थी, लेकिन कोविड से पहले और कोविड के बाद का जो हायर एजुकेशन है उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? हायर एजुकेशन पे इफेक्ट कोविड का काफी गहरा पड़ा। क्या कारण ये है कि सबसे बड़ा कोविड का नेगेटिव इफेक्ट हुआ कि लॉकडाउन से बच्चों की हैबिट बहुत ज्यादा खत्म हो गई। सबसे पहले स्मार्टफोन, बच्चे इतने ज्यादा स्मार्टफोन में, लैपटॉप में इतने ज्यादा खो गए कि बाहरी दुनिया से वो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो गए। स्कूल कॉलेज की जगह मोबाइल ने, लैपटॉप ने ले लिया है। शॉर्ट में जो भी जरूरत पड़ती है वो तुरंत उसका सॉल्यूशन मोबाइल पे, इस गैजेट्स में ढूंढने लग गए, मोबाइल में चाहे लैपटॉप में। इसके बाद में दूसरी चीज, पढ़ाई की हैबिट, वही प्रमोट वाली स्थिति जो अपन ने स्कूल में भी बात करी थी कि यूनिवर्सिटीज एग्जाम ने भी बच्चों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म कर दिए, फिजिकल बच्चों को प्रेजेंट नहीं होना, अपनी प्रैक्टिकल की फाइल सबमिट कर दो, उसी से एविलेट होकर उन्होंने प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए गए, एग्जाम में प्रमोट कर दिया गया। वही इफेक्ट आया कि बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया और उसी होप में रहते हैं कि हाँ बच्चे कंटिन्यू, बच्चों में यही हैबिट हो गई कि हाँ हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, हमें पढ़ने से बचना। अब जो पढ़ना चाहे, मेहनत से बिल्कुल ही बैकआउट हो गए, बहुत दूर हो गए बच्चे अभी। इसके लिए मैं रिसेंट में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी मेरे को एक मौका मिला था अजमेर यूनिवर्सिटी से, के एग्जाम कॉपी थी एक, मैं क्लास या सब्जेक्ट तो नहीं बताऊंगा आपको, तो मैंने उस कॉपी को मैं जांच रहा था, चेक कर रहा था, तो उसमें मेरे को तो एक कोटेशन उसमें, मतलब उन्होंने लिख रखा था बच्चे ने कि सर मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे को किसी भी कंडीशन में पास कर देना, और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घर में डेथ हो गई थी। बहुत सारी कॉपियों में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, लेकिन उस कॉपी में स्पेशली कोट मैंने यूं किया है कि पहले पेज पे ये चीज लिखी हुई थी कॉपी का, जैसे ही उसने पूरी कॉपी खाली नहीं, कॉपी भरी हुई थी, लेकिन पहले ही पेज पे उसने ये कोटेशन चार लाइन में लिख दिया है। तो इट मींस उससे उसकी साइकोलॉजी मेरे को समझ में आई कि उस बच्चे के पास लिखने के लिए कुछ नहीं था।
अगर लिखने के लिए कुछ होता तो लास्ट में इस चीज को लिखता, लेकिन उसने स्टार्टिंग इससे किया, इसमें उसने बाद में वो किया है, तो ये लेवल बताता है कि अपनी एजुकेशन किस लेवल पे जा रही है। सर मैंने जैसे कई सर से बात होती है मेरी, तो उन्होंने ये तक बताया कि बच्चे स्टूडेंट पैसे तक चिपका के भेजते हैं। हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है, पैसे कोई 1000 का नोट, कोई 2000 का नोट, कोई 500 का नोट, उसमें ये टू वे टेप यूज करेंगे, उसको लगाएंगे, स्टेपल लेके जाते हैं, स्टेपलर करके आते हैं, काफी बार होता है ऐसा कॉपीज में। आप इससे, आप सबसे बड़ा बात कि वो पैसे नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे बड़ी बात है माइंड लेवल, उस बच्चे का माइंड लेवल आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल तक सोच रहा है। यानी कि 500 रुपए में एक एवुलेटर जो है वो बिका हुआ है उसके लिए, वो तो यही सोचता है सर कि वो मेरे 500 रुपए रख लेगा, मुझे पास कर देगा। आखिर ऐसा क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। तो कहीं ना कहीं अपन को कई चीजें ऐसी हैं कि जिनमें अपन को वापस से एक सोच विचारने की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, और सुधार होने की जरूरत है। और सर एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नौकरी के पीछे सब भाग रहे हैं, चाहे वो रास्ता कोई सा भी हो, एक तो लीगल तरीके से भी लग रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, लेकिन नौकरी के पीछे भाग रहा है। हायर एजुकेशन में अभी भी वो इतना कंपटीशन नहीं है, जैसे आप एजुकेशन में लेके चलो एमएड, एमएड कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमएड का कोर्स करवाते हैं। तो सर जैसे कोई एमएड करके टीचर बनता है स्कूल कॉलेज जहां भी, और एक ओनली बीएड करने के बाद जो टीचर बनता है, उनके मेंटल लेवल में कोई फर्क होता है? मेंटल लेवल में फर्क होगा, मेंटल लेवल में तो उनका सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, सारी चीज ब्रॉड होती है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का टारगेट तो सरकारी नौकरी है। जी सर, आज आप देखें एमएड और बीएड की बात करें, बीएड की राजस्थान में सीटें लगभग 1500 हैं, सारी फिल हो जाती हैं, जबकि एमएड की सीटें बहुत कम है और वो भी सीटें कहाँ खाली पड़ी हैं। हाँ सर, कारण क्या है? कारण यही है कि गवर्नमेंट जॉब में एमएड का कोई एडवांटेज नहीं है, और जबकि बच्चों का टारगेट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है। तो ये माइंडसेट, ये नहीं अपने आप को रिच बनाना, एजुकेशन में रिच बनाना, उनका टारगेट है कि बस एक सरकारी नौकरी हो जो एक बंदी हुई तनख्वाह आ जाए और अपना जीवन यापन सुखी से हो जाए। तो सर इस सोच को थोड़ा बदला जा, बदलना बहुत जरूरी है बदलना, और इस चीज का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपन टीचर्स के ऊपर ही है। जी सर, अपने टीचर्स के ऊपर और दूसरा वो अभिभावकों के ऊपर, अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझ जाएं और उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाह करने लग जाएं, तो शायद इन परिपाटियों में परिवर्तन आ जाए। सर आपका सामना कई ऐसे स्टूडेंट से भी होता होगा जो बिल्कुल ढीठ तरीके से होते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं मेरे को तो नहीं आना है या फिर आना है, तो फिर आप उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से टैकल करते हैं? देखिए उस टाइम पे दोनों ही परिस्थितियां, डांटना भी पड़ता है, काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। बेसिकली काउंसलिंग पे उनको उनका मोटिव, उनका फ्यूचर समझाना पड़ता है कि आपको अगर इस तरह करोगे तो आपको ये फ्यूचर में जाके ये नेगेटिविटी आपके सामने आएंगी। समझता है, ठीक है, नहीं तो एक बार डांट के ना भी पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि उन बच्चों को काउंसलिंग से डांट के, समझा के, कैसे भी करके उनको सही रास्ते पर लाया जाए, और इसको मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। सर आपने काउंसलिंग का नाम लिया है, खैर अपने टॉपिक से रिलेट तो है नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जैसे अभी राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट में देखो, स्कूल लेवल पे ही बात करते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले बच्चे से इस या तो अपने माता पिता गार्जियंस ये नहीं पूछते कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, डायरेक्ट पड़ोस ने ये ले लिया, पड़ोसी ने मैथ ले लिया तो मैथमेटिक्स लेंगे, पड़ोसी ने ये ले लिया तो वो भी वही ले लेंगे, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं उनसे पहले, कि क्या स्कूल वालों की या फिर सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी एक बार काउंसलिंग करवाई जाए या फिर स्कूल्स में एज ए काउंसलर अपॉइंट किए जाए? ये नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका है, और इस चीज़ को इम्प्लीकेट भी आपके नवोदय विद्यालय हैं, केवीज हैं, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें इम्प्लीकेशन कर भी दिया गया है। एज ए काउंसलर अपॉइंटमेंट वैकेंसीज निकाली हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की भी अभी स्कूल में वैकेंसी निकली थी काउंसलर की, तो उनका बेसिकली वर्क यही होगा कि बच्चों की काउंसलिंग करके।
आज आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बच्चा 10th पास आउट हुआ, जब सिलेक्शन सब्जेक्ट की बात आती है तो मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया, मैं कॉमर्स लूंगा। हाँ, वो एक भेद मेरे मामा के लड़के ने साइंस लिया, मैं साइंस लूंगा। मेरे कजन ब्रदर ने मैथ लिया, मैं मैथ लूंगा। लेकिन अपनी एबिलिटी को कोई नहीं जानना चाहता। दूसरा एक वो है कि सबसे इजी है आर्ट्स, सबसे हार्ड है मैथ साइंस। उस चीज को चलता रहता है, वो उसी चीज में। गार्जियन भी कहते हैं तू डॉक्टर बनेगा, बेटा बायो पढ़। तो एक इंजीनियर बनेगा, बेटा मैथ पढ़। जबकि उस चीज को नहीं समझते बच्चे में एबिलिटी क्या है। और ये काम है काउंसलिंग का। जब तक गार्जियंस की प्रॉपर काउंसलिंग, बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी, वो अपनी एबिलिटीज को नहीं पहचानेगा। जब प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी और बच्चे को सामने अपनी कमियां, इसको मैं एक नाम दूंगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को सबका समझ में आ जाएगा अपना, तो बच्चे का कोई कारण नहीं लगता, वो किसी भी फील्ड में जाएगा असफल होगा। क्योंकि जब उसको अपनी योग्यताएं और कमियां दोनों चीज पता होगी मेरे को, तो मैं क्यों कमी वाले रास्ते में जाऊंगा, जिसमें मेरे पास विशेष योग्यता उस रास्ते पे चलूंगा। जी सर। और जब विशेष योग्यता है तो सफलता ऑटोमेटिकली मिलेगी। जी सर। तो इसलिए काउंसलिंग एक कंपलसरी पार्ट होना चाहिए स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल के मिड में, कि जिससे बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसको समझ में भी आए कि ये सब्जेक्ट क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ने में विशेष योग्यता रखता हूँ, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल काउंसलिंग, और इसके लिए तरफ गवर्नमेंट ने भी कदम बढ़ा दिया है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वेलकम। और आप दर्शकों को कुछ और मोटिवेट करने के लिए कोई दो लाइन? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं दो ही चीज़ कहूँगा कि जब एजुकेशन की बात आती है तो 1986 की मैं कोर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की कोर्ट लूंगा कि देश का भविष्य इस समय कक्षा कक्ष में विचरण कर रहा है। ये अपने डीएस कोठारी जी आयोग ने कहा था, अपनी रिपोर्ट स्टार्ट की थी जब, तो इसका सीधा सा मीनिंग मिलता है। उन्होंने अपने पूरे कंट्री का जो फ्यूचर है वो टीचर्स के ऊपर ड्यूटी डाल दी थी। कक्षा कक्ष में कौन है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट किसकी देख रेख में? टीचर्स की। यानी उन्होंने टीचर्स को ये बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आपको देश का भविष्य संवारना है। तो एज ए टीचर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को पूरा पूरी ईमानदारी से, क्योंकि सारे पेशों में, सारी प्रोफेशन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं होती जितनी टीचर्स के पास है। जी सर। अगर अपन ने अपनी लाइफ में 10 बच्चों को भी प्रॉपर सही रास्ते पे ला दिया तो कोई कारण नहीं रहता, अपना देश तरक्की के रास्ते पे आगे पहुंचेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा खासतौर से सभी अध्यापक वर्ग को, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।